हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीड ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में जिम्नास्टिक के 41 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जैसे कि जिम्नास्टिक से हर बार क्वेश्चंस आते हैं, ये वीडियो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और डेली बेसिस में आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ। जैसा कि एमपी टेट का रिजल्ट आ चुका है, आप सभी ने अपना अपना स्कोर देख लिया है। एंड दोस्तों, इसका चयन परीक्षा बहुत ही जल्द होगा, 10 दिन के अंदर आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। एंड नोटिफिकेशन आने के बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा, आप जोरों से आप तैयारी में लग जाइए। एंड यूपी टीजीटी, यूपीएलटी ग्रेड, किसी भी कंपटीशन फिजिकल एजुकेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरे चैनल पे डेली बेसिस से प्रैक्टिस कराया जाता है। और इन सभी से रिलेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज थ्योरी सेशन, एमसीक्यू प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सोर्न एलर क्वेश्चन, सभी चीज़ें मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों, जिम्नास्टिक को ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यही सब क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जिम्नास्टिक को ओलंपिक में शामिल किया गया 1896 एथेंस ग्रीस में। कब शामिल किया गया? 1896 एथेंस ग्रीस में। एंड दोस्तों, नेक्स्ट है, महिलाओं ने जिम्नास्टिक में किस ओलंपिक में पहली बार प्रतिभाग किया? तो 1928 एमस्टर्डम हॉलैंड में। कब प्रतिभाग किया? 1928 एमस्टर्डम हॉलैंड में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो दोस्तों जैसे कि जिम्नास्टिक के बारे में कुछ आपको बेसिक चीज़ें बता देती हूँ, क्योंकि जिम्नास्टिक से रिलेटेड मैंने फुल वीडियो बनाया हुआ है, उसकी हिस्ट्री, उसके मेजरमेंट, उसके प्रकार। एंड 4-5 वीडियो जिम्नास्टिक से रिलेटेड हैं, आप एथलेटिक वाले वीडियो में देख सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि जिम्नास्टिक, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है जिम्नोस, यूनानी भाषा के जिम्नोस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है नग्न शरीर, यानी कि नग्न व्यायाम करना। ऐसे मदर ऑफ स्पोर्ट्स यानी खेलों की जननी बोला जाता है जिम्नास्टिक को, एंड खेलों की रानी एथलेटिक को बोला जाता है। ये दोनों में अंतर समझिएगा। एंड इसके जन्मदाता हैं, इसके जन्मदाता हैं गर्समर्स, जो जर्मनी के, जर्मनी में जिम्नास्टिक के जन्मदाता कौन है? गर्समर्स। जर्मनी में आधुनिक जिम्नास्टिक के जनक, यानी कि आधुनिक जिम्नास्टिक के जनक कहे जाएंगे फ्रेडरिक लुडविक जान, और जिम्नास्टिक के जनक गर्समर्स। ओलंपिक में शामिल किया गया 1896 एथेंस ग्रीस में, और महिलाओं को ओलंपिक में शामिल किया गया 1928 एमस्टर्डम हॉलैंड में। कौन जिम्नास्टिक को? आर्टिस्ट जिम्नास्टिक को। एंड रिदमिक जिम्नास्टिक को ओलंपिक में शामिल किया गया 1984 लॉस एंजलिस में। ये क्वेश्चन आया हुआ था 2018 एलटी ग्रेड, यूपी एलटी ग्रेड में, ठीक। एंड ट्रम्पोलिन जिम्नास्टिक को ओलंपिक में शामिल किया गया 2000 सिडनी में। अब भारत ने पहली बार ओलंपिक में कब भाग लिया जिम्नास्टिक में? तो 1952 हेलसिंकी फिनलैंड में। ये सभी चीज़ें आप याद रखिएगा। और दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये है कि ओलंपिक में जिम्नास्टिक की कौन कौन सी प्रतियोगिताएं शामिल होती हैं। तो ओलंपिक में शामिल है आर्टिस्ट जिम्नास्टिक, रिदमिक जिम्नास्टिक, ट्रम्पोलिन जिम्नास्टिक। लेकिन जिम्नास्टिक कौन कौन से प्रकार के होते हैं? जैसे कि FIG इंटरनेशनल जिम्नास्टिक फेडरेशन के अंतर्गत आर्टिस्ट जिम्नास्टिक, एक्रोबेटिक्स जिम्नास्टिक, एरोबिक्स जिम्नास्टिक, रिदमिक जिम्नास्टिक, ट्रम्पोलिन जिम्नास्टिक, ये 4-5 आते हैं। बट ओलंपिक में शामिल है आर्टिस्टिक, रिदमिक, ट्रम्पोलिन। अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। और दोस्तों, जो जिम्नास्टिक होते हैं आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक, पुरुषों के लिए 6 और महिलाओं के लिए 4 होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, पुरुषों के लिए जिम्नास्टिक में पॉमेल हॉर्स की लंबाई कितनी होती है? तो पुरुषों के लिए जिम्नास्टिक में पॉमेल हॉर्स की लंबाई होती है 1600 mm। कितना होता है? 1600 mm यानी मिलीमीटर। नेक्स्ट है, पुरुषों के लिए रिंग्स की मोटाई कितनी होती है? तो पुरुषों के लिए रिंग्स की मोटाई होती है 28 mm। नेक्स्ट है, पुरुषों के लिए रिंग्स का भीतरी व्यास कितना होता है? तो रिंग्स का भीतरी व्यास होता है 180 mm। कितना होता है? 180 mm यानी मिलीमीटर। नेक्स्ट दोस्तों, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जिम्नास्टिक FIG की स्थापना कब हुआ था? तो
FIG इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जिमनास्टिक की स्थापना 1881 में 23 जुलाई 1881 में लुसाने स्विट्जरलैंड में हुआ था। इसके अंतर्गत 5 प्रकार के जिमनास्टिक आर्टिस्टिक एक्रोबेटिक्स एरोबिक्स रिदमिक और ट्रम्पोलिन शामिल है। नेक्स्ट दोस्तों, गर्स मर्स की पुस्तक का क्या नाम है? तो जर्मनी में जिमनास्टिक के पितामह कहे जाने वाले गर्स मर्स, इन्होंने 2 पुस्तक लिखा था, जिमनास्टिक फॉर द यंग और खेल। तो जिमनास्टिक फॉर द यंग यानी युवाओं के लिए जिमनास्टिक, यहाँ पे कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ख, युवाओं के लिए जिमनास्टिक। नेक्स्ट है FIG यानी कि फेडरेशन, इंटरनेशनल जिमनास्टिक फेडरेशन की स्थापना कब और कहाँ पे हुआ था? तो 1881 स्विट्जरलैंड में हुआ था, 23 जुलाई 1881 में। नेक्स्ट है, भारत ने ओलंपिक खेलों के अंतर्गत जिमनास्टिक प्रतियोगिता में कब भाग लिया? तो भारत ने कब भाग लिया ओलंपिक में जिमनास्टिक में? तो 1952 हेलसिंकी फिनलैंड में। नेक्स्ट है दोस्तों, मैनुअल ऑफ जिमनास्टिक पुस्तक के लेखक कौन है? मैनुअल ऑफ जिमनास्टिक पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्रांस नेसगाल है। कौन है? फ्रांस नेसगाल। नेक्स्ट, जिमनास्टिक में प्रथम अर्जुन पुरस्कार विजेता कौन है दोस्तों? तो जिमनास्टिक में प्रथम अर्जुन पुरस्कार विजेता है श्यामलाल। कौन है? श्यामलाल को सबसे पहले अर्जुन पुरस्कार दिया गया। और दोस्तों, जैसा कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया दीपा कर्माकर 2016 में, एंड द्रोणाचार्य पुरस्कार विश्वेश्वर नंदी को 2016 में दिया गया। नेक्स्ट है, हॉरिजॉन्टल व पैरेलल बार का आविष्कार किसने किया? तो दोस्तों, हॉरिजॉन्टल और पैरेलल बार का आविष्कार किया फ्रेडरिक यार ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हॉरिजॉन्टल बार और पैरेलल बार दोनों का आविष्कार किसने किया? फ्रेडरिक यार ने। नेक्स्ट है, जिम्नास्टिक खेल का संचालन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कौन सी संस्था करती है दोस्तों? तो वह करती है FIG। कौन करती है? FIG यानी कि इंटरनेशनल जिम्नास्टिक फेडरेशन। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय स्तर पर जिम्नास्टिक का संचालन कौन सी संस्था करता है? तो यहां पे करती है जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय जिम्नास्टिक संघ। जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1951 नई दिल्ली में किया गया, हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय नई दिल्ली है। नेक्स्ट है, महिलाओं के लिए आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक में कितनी प्रतियोगिताएं होती है दोस्तों? तो महिलाओं के लिए 4 होती है, जिसका मैंने ट्रिक बताया हुआ है, एंड जिसका मैंने ट्रिक बताया हुआ है उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, जिससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट, आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक के लिए प्रतियोगिता में कितने पैनल के जज होते हैं? तो आर्टिस्टिक यानी कलात्मक जिम्नास्टिक के लिए प्रतियोगिता में 2 पैनल के जज होते हैं। कितने पैनल के? 2 पैनल के जज होते हैं। नेक्स्ट, आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक में जमीन पर उतरते समय कम से कम हलचल होने को तकनीकी रूप से क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं स्ट्रक लैंडिंग। क्या कहते हैं? स्ट्रक लैंडिंग। नेक्स्ट है दोस्तों, आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक की किसी भी प्रतियोगिता के लिए अधिकतम कितने अंक होते हैं? तो अधिकतम अंक 10 होते हैं। कितने होते हैं? अधिकतम अंक 10 होते हैं। नेक्स्ट है, महिला एवं पुरुषों के लिए वर्ल्ड स्पर्धा के लिए रनवे की चौड़ाई कितनी होती है? तो यहां पे रनवे की चौड़ाई होती है कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। महिला और पुरुष दोनों के लिए वर्ल्ड स्पर्धा के लिए रनवे की चौड़ाई होती है 100 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, हैंड स्प्रिंग बोर्ड एंड सू स्टूक हेयर तथा यार चेनको नाम का संबंध किस स्पर्धा से है? तो इनका संबंध है वाल्ट स्पर्धा से। किससे है? वाल्ट स्पर्धा से। नेक्स्ट है,
पुरुषों की वॉल्ट स्पर्धा में वॉल्टिंग टेबल की ऊंचाई लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः कितनी होती है? तो इसकी ऊंचाई होती है 135 सेंटीमीटर और लंबाई 120 एंड चौड़ाई 95 सेंटीमीटर। को आपका राइट होगा। नेशनल फ्लोर स्पर्धा के लिए प्रदर्शन क्षेत्र के बाहर का बॉर्डर जो 1 मीटर का होता है उसमें स्लोप यानी ढलान की चौड़ाई कितनी होती है? तो उसकी होती है 50 सेंटीमीटर। दोस्तों फ्लोर की महिला पुरुष दोनों के लिए 12x12 मीटर लंबाई चौड़ाई होती है। एंड रिदमिक कौन सी जिम्नास्टिक होता है जो उसमें दोनों के सेम होती है? ठीक है, तो रिदमिक जिम्नास्टिक में भी फ्लोर के लिए सेम होता है 13x13, उसमें 12x12। आर्टिस्ट जिम्नास्टिक में रिदमिक में 13x13। नेक्स्ट है, इनमें से आर्टिस्ट जिम्नास्टिक की कौन सी स्पर्धा है? तो दोस्तों यहाँ पे बैलेंसिंग बीम आपका राइट होगा। कौन सा राइट होगा? बैलेंस बीम, ऑप्शन नंबर घ। नेक्स्ट है, बैलेंस बीम स्पर्धा के लिए लैंडिंग मैट की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है? तो बैलेंस बीम की स्पर्धा के लिए लैंडिंग मैट की लंबाई चौड़ाई जो होती है वो 17x4 मीटर होती है। कितना? 17x4 मीटर। नेक्स्ट, अन इवन बार में नीचे वाले बार की ऊंचाई जमीन से कितनी होती है? तो 1.70 मीटर होती है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों यहाँ पे कौन सही है आपको ये देखना है। यहाँ पे सही आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क ही, कि महिला और पुरुष के आर्टिस्ट जिम्नास्टिक में फ्लोर की माप एक जैसी होती है 12x12 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट है, पैरल बार में बार की चौड़ाई 4 सेंटीमीटर होती है एंड ऊंचाई कितनी होती है? तो ऊंचाई 5 सेंटीमीटर होती है। चौड़ाई 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, हॉरिजॉन्टल बार जमीन से कितनी ऊंचाई पर होता है? तो 280 सेंटीमीटर ऊंचाई पर होता है हॉरिजॉन्टल बार। नेक्स्ट है, पामेल हार्स नामक स्पर्धा में प्रयोग होने वाले उपकरण की लंबाई ऊपरी सतह पर कितनी होती है? तो 160 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, इनमें से पामेल से संबंधित कौन सा कथन सही गलत है? तो कौन सा गलत है इसको आपको छांटना है। तो यहाँ पे पामेल का अर्थ गुद्दी होता है, राइट है। पामेल से तात्पर्य काठी का उभरा हुआ अग्रभाग होता है, सही है। पामेल हासे स्पर्धा में दोनों की आपस में दूरी 40 से 45 सेंटीमीटर होती है, भी राइट है। बट आसन नंबर ग जो है, पामेल का प्रयोग महिलाओं की आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक में किया जाता है, गलत है, क्योंकि पामेल हॉर्स का प्रयोग पुरुषों के लिए किया जाता है। वॉल्टिंग हॉर्स आपका महिला पुरुष दोनों के लिए किया जाता है एंड फ्लोर भी, ठीक है। नेक्स्ट है, 1998 गुडविल गेम के वॉल्टिंग हॉर्स के वार्म अप के दौरान चीन की किस जिम्नास्ट को मेरुदंड की चोट लगी और उसे लकवा मार गया? उस खिलाड़ी का क्या नाम है? तो दोस्तों उस खिलाड़ी का नाम है सेंग लेन। क्या नाम है? सेंग लेन। नेक्स्ट, वॉल्टिंग हॉर्स स्पर्धा में जुलिसा गुमेज को किस वर्ष चोट लगी और लकवा मारने के बाद उसकी मृत्यु हो गई? तो 1988 में। कब? 1988 में। नेक्स्ट है, किस वर्ष वॉल्टिंग हॉर्स के स्थान पर वॉल्ट टेबल का प्रयोग पहली बार किया गया? तो यहाँ पे किया गया 2001 वर्ल्ड आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में। नेक्स्ट, अगर कोई जिम्नास्ट काल करने के 20 सेकेंड के अंतर्गत प्रदर्शन नहीं करता है तो कितने अंक उसके काट दिए जाते हैं? तो 0.5
अपना अंक उसका काट दिया जाता है अगर 20 सेकंड के अंदर बुलाने पर नहीं आता है तो। नेक्स्ट है, एरोबिक जिम्नास्टिक के संबंध में क्या सही नहीं है, तो क्या सही नहीं है आपको ये छाटना है। तो दोस्तों, एरोबिक जिम्नास्टिक, आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक एंड एक्रोबेटिक्स, रिदमिक एंड ट्रम्पोलिन जिम्नास्टिक, सभी के बारे में मैंने डिटेल में बताया हुआ है, आप उन सभी वीडियोस को देख करके थ्योरी सेशन को समझ सकते हैं। तो यहाँ पे पूछा है एरोबिक जिम्नास्टिक के संबंध में क्या सही नहीं है, तो यहाँ पे आपको देखना है कौन है। एरोबिक जिम्नास्टिक में सहयोगी खिलाड़ी को उछाला नहीं जाता, ये राइट है। कौन है, प्रदर्शन क्षेत्र के चारों तरफ 5 सेंटीमीटर चौड़ी काली लाइन लगी होती है, ये भी राइट है। गह है, एरोबिक जिम्नास्टिक को सबसे अधिक चलायमान और ऊर्जावान खेल माना जाता है। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप होती है, स्ट्रेंथ डेवलप होती है, बैलेंस डेवलप होती है, ये तीनों आपका राइट है। बस घ है, एरोबिक ग्रुप प्रतियोगिता में 12 खिलाड़ी होते हैं, ये राइट नहीं है। नेक्स्ट, रिदमिक जिम्नास्टिक में जो गेंद प्रयोग की जाती है उसका वजन कितना होता है, तो रिदमिक जिम्नास्टिक में 400 ग्राम का गेंद प्रयोग किया जाता है। कितने ग्राम का, 400 ग्राम का गेंद प्रयोग किया जाता है रिदमिक जिम्नास्टिक में। दोस्तों, रिदमिक जिम्नास्टिक जो होता है उसमें 5 उपकरणों का प्रयोग किया जाता है, रिबन यानी फीता, रोप यानी रस्सी, क्लब यानी बोतल की तरह होता है, बॉल यानी गेंद, और हुप यानी कि एक छल्ला होता है, जिसमें से आपका गेंद जो होता है उसका वजन 400 ग्राम होता है। फीते का लंबाई जो होती है 7 मीटर होती है एंड वजन होता है 35 ग्राम, और हुप या छल्ला जो होता है उसका 300 ग्राम वजन होता है, एंड जो क्लब होता है बोतल की तरह उसका वजन होता है 150 ग्राम, ठीक है। एंड जो बाल होता है यहाँ पे दिया हुआ है 400 ग्राम होता है, और रोप रस्सी जो होती है वह जिम्नास्ट के अनुसार कम या ज्यादा किया जा सकता है। नेक्स्ट दोस्तों, हुप का आंतरिक व्यास कितना होता है, हुप यानी छल्ला, जो गोलाकार छल्ला होता है उसका आंतरिक व्यास कितना होता है, तो हुप यानी छल्ले का आंतरिक व्यास जो होता है वह 80 से 90 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है आंतरिक व्यास, 80 से 90 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिबन वाले उपकरण में सिर्फ रिबन का भार कितना होता है, तो रिबन वाले उपकरण में सिर्फ रिबन का भार कितना होता है दोस्तों, तो रिबन का भार होता है, फीता का जो होता है उसका भार अभी मैंने जस्ट बताया है 35 ग्राम, कितना होता है 35 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुरुष व महिला के आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक के लिए छत की ऊंचाई कितनी होती है, तो पुरुष महिला दोनों के लिए आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक के लिए छत की ऊंचाई 8 से 10 मीटर होती है, कितना होता है 8 से 10 मीटर। नेक्स्ट है कि पुरुषों के आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक के लिए 6 प्रतियोगिताओं के स्थल आपस में कितनी दूरी पर रहते हैं, तो 3.50 यानी कि 3.50 3.5 मीटर पर, ठीक है। नेक्स्ट है, महिलाओं के आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक के लिए हाल में चारों प्रतियोगिता स्थल के चारों तरफ कितनी जगह खाली रहनी चाहिए, तो 4 मीटर खाली रहनी चाहिए। तो दोस्तों, ये था जिम्नास्टिक के 41 क्वेश्चंस। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। इसके थ्योरी सेशन देखने के लिए 4-5 वीडियो मैंने बताया हुआ है, बनाया हुआ है जिम्नास्टिक के, उन सभी वीडियोस को देख करके अपने सभी डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। एंड दोस्तों, इसी तरह डेली बेसिस से प्रैक्टिस करते रहिए, मेरे चैनल पर सभी टॉपिक आपको बताए जाते हैं। तो फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।